हेलो एवरीवन, मेरा नाम ओम प्रकाश है और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूनिट जे जो कि है ट्रॉमा। ठीक है, ट्रॉमा आपका सर्जरी और ऑर्थो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको ट्रॉमा के ऊपर क्लियर इसमें करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहला इसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज ट्रायस। ठीक है, ट्रायस क्या होता है? तो ट्रायस क्या है? ट्रायस मीन्स टू शॉर्ट इन फ्रेंच। ठीक है, ट्रायस मतलब क्या है कि हम उसको एक अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे, टू शॉर्ट करेंगे। ट्रायस इज सिस्टम टू अटेंड ट्रॉमा पेशेंट। ठीक है, ट्रायस क्या है? एक सिस्टम है हम लोग अगर ट्रॉमा पेशेंट को अटेंड करने के लिए, फॉर्मुलेटेड बाय कमिटी ऑफ ट्रॉमा ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन। ठीक है, हटाओ इतना नहीं लगेगा। एक है आपका क्या, दो टाइप होता है, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट जो कि आपका एसेंशियल है फॉर फर्स्ट आवर केयर ऑफ एंड इंजर्ड पेशेंट। ठीक है, एडवांस्ड ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, दूसरा क्या है, प्री हॉस्पिटल ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। तो एडवांस जो होता है वो आपका फर्स्ट जो आपका आवर होता है, फर्स्ट आवर केयर उसको जरूरी होता है, एसेंशियल होता है। और प्री हॉस्पिटल ट्रॉमा जो होता है वो आपका क्या है, इट इज प्रिवेंट डेथ वाइल इंजर्ड पेशेंट आर ट्रांसपोर्टेड टू द हॉस्पिटल। जैसे कि एक एरिया है वहाँ पे आपका ट्रायज गया, आप वहाँ पर ट्रॉमा हो गया है, तो वहाँ से हॉस्पिटल तक के बीच के रास्ते में एम्बुलेंस पे जो आप सपोर्ट देते हैं वो क्या होता है आपका, प्री हॉस्पिटल ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। ठीक है, पहला क्या आपका एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट है और दूसरा प्री हॉस्पिटल ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। ठीक है, अब होते हैं टाइप्स क्या है। ट्रायल सिस्टम के भी टाइप्स होते हैं। पहला क्या है, मल्टीपल कैजुअलिटी है ना, मल्टीपल है और एक मास कैजुअलिटीज। ठीक है, मल्टीपल क्या है, मल्टीपल क्या है, स्टाफ एंड फैसिलिटी आर सफिशिएंट बट प्रायोरिटी इज गिवन टू लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी। ठीक है, मल्टीपल यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे हमारे पास जो स्टाफ है और जो फैसिलिटी है वो सफिशिएंट है, और इस पर क्या करेंगे, प्रायोरिटी हम किस पे देंगे, प्रायोरिटी देंगे पर लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी देंगे, पर लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी में। और ये तक हो गया मल्टीपल में होगा। फिर मास में क्या होगा, मास कैजुअलिटी में स्टाफ और फैसिलिटी हमारे पास बहुत कम है, सफिशिएंट नहीं है मैनेज करने के लिए। तो जो ज़्यादा आपका चांस है, जैसे कि चार पेशेंट है, चार लोग हैं पड़े हुए हैं, आपके चार में से सबसे अच्छा चांस है एक का जिंदा होने का, उसको बहुत कम आपको लगा है, उसको कम लगा है, और डी को बहुत ज़्यादा लग गया है, मरने के तदाद में आ गया है। तो अगर आपका मल्टीपल कैजुअलिटी है तो आप तो डी को बचाना। ठीक है, अगर आपका क्या, जिसको मरने तदाद में आ गया है, अगर आपको मास कैजुअलिटी में हुआ तो आप ए को बचाना। ठीक है, जो जल्दी ठीक हो सके उसको बचाएंगे अपन मास में। ठीक है, ये आपका मल्टीपल और मास कैजुअलिटी हो गया। अब आते हैं कि अपन चार कंपोनेंट्स को असेस कैसे करेंगे। पहला क्या है आपका, फिजियोलॉजिक रेस्पॉन्स, एनाटॉमिकल इंजरी, बायोकेमिकल इंजरी और कमोरबिड फैक्टर्स। ठीक है, इसको याद रखना MBBS फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर MBBS आपके फर्स्ट ईयर में से क्या होता है, एनाटॉमी होता है, फिजियोलॉजी होता है और बायोकेमिस्ट्री होता है। तो फिजियोलॉजिक रेस्पॉन्स, एनाटॉमिकल इंजरी, बायोकेमिकल इंजरी और आपका कॉमोबिड फैक्टर। ठीक है, ये तक हो गया असेसमेंट होगा किसका, चार कंपोनेंट्स का। अब आते हैं ट्रायल्स का एल्गोरिथम क्या है। तो इसके स्टेप होते हैं बहुत सारे, चार स्टेप हैं इसके। ठीक है, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री और स्टेप फोर। ठीक है, तो चार स्टेप क्या है, स्टेप वन ये क्या करेगा आपका, असेस करेगा फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट को। ठीक है, स्टेप वन क्या करता है, असेस करता है फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट को बाय ग्लासगो कोमा स्केल, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट और रिवाइज ट्रॉमा स्कोर। ठीक है, इससे आप क्या करेगा, वो असेस करेगा कि कितना इसका फिजियोलॉजी गायब हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, स्टेप वन क्या हुआ आपका, असेस करेगा वो फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट, पहला क्या है ग्लासगो कोमा स्केल से, और फिर आपका दूसरा क्या आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, फिर आपका रेस्पिरेटरी रेट और लास्ट में आपका रिवाइज ट्रॉमा स्कोर। क्या क्या, ग्लासगो कॉमा स्केल, ग्लास मेरे साथ बोलिए, ग्लासगो कॉमा स्केल, फिर आपका सेकंड क्या था, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, थर्ड क्या था आपका रेस्पिरेटरी रेट और फोर्थ क्या आपका रिवाइज ट्रॉमा स्कोर। ये तो हो गया स्टेप वन हो गया। अब स्टेप टू में आते हैं, स्टेप टू क्या करता है, स्टेप वन क्या कर रहा है, वो फिजियोलॉजी का इम्पैक्ट को देख रहा है, स्टेप टू क्या कर रहा है, वो एनाटॉमिकल इम्पैक्ट को देख रहा है कि ऑल पेनिट्री इंजरी टू हेड, नेक, थोरैक्स, मेजर बर्न, फ्रैक्चर बोन्स, पेल्विक फ्रैक्चर, पैलिसिस, इसको वो इसमें ही आता है। ठीक, क्या क्या आएगा, जितनी भी पेनिट्रेटिंग इंजरी है नेक को, थोरैक्स को, है ना, आपका फ्रैक्चर हो गया कोई भी, है ना, आपका बर्न हो गया। ठीक है, और इस सबका आ जाएगा। स्टेप थ्री क्या है आपका, कि वो मैकेनिज्म को असेस करेगा, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट, है ना, क्रैश और ब्लास्ट इंजरी, जितने भी आपका कौन से मैकेनिज्म से ये हुआ है ट्रॉमा। ठीक है, कि ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट के कारण तो नहीं हुआ है ये, ब्लास्ट इंजरी, क्रैश इंजरी के कारण तो नहीं हुआ है, हाई एनर्जी इंजरी तो नहीं है ये। ठीक है,
फॉल फ्रॉम मोर देन 20 feet, बुलेट इंजरी, ये उसको एसेस करेगा, ठीक है। पहला क्या एसेस किया वो फिजियोलॉजी को एसेस किया, सेकंड क्या एसेस किया स्टेप टू में एनाटॉमिकल को एसेस किया वो, और स्टेप थ्री कैसे एसेस किया वो एसेस द मैकेनिज्म, ठीक है, और स्टेप फोर कैसे करेगा वो एसेस द हिस्ट्री, हिस्ट्री देखेगा वो कि पेशेंट की हिस्ट्री कैसा है, पेशेंट एज जो है वो 5 साल से कम है या फिर 55 से ज़्यादा है, ठीक है, या तो एकदम बच्चा होगा या एकदम बूढ़ा होगा, 5 साल से कम है कि 55 से ज़्यादा है, उसको कार्डियक डिजीज तो नहीं है, उसको रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक डिजीज तो नहीं है, उसको लड़की प्रेगनेंट तो नहीं है, पेशेंट विथ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, इम्यूनो सप्रेस्ड इंडिविजुअल, ठीक है, ये सब आपका स्टेप फोर में आएगा। 4 स्टेप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रैच का एल्गोरिथम, ठीक है, इसको लिखो तो नंबर अच्छा मिलेगा, सॉरी, ठीक है। स्टेप वन क्या है, वापस रिवाइज करते हैं, स्टेप वन क्या आपका, वो फिजियोलॉजी को असेस कर रहा है, ग्लास को कमा स्केल, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, और लास्ट में क्या आपका रिवाइज ट्रॉमा स्कोर, ठीक है। फिर स्टेप टू क्या आपका, स्टेप टू में वो एनाटॉमी को वो कर रहा है, ठीक, कितना इंपैक्ट हुआ है, कोई पेंटेनिंग इंजरी है, फ्रैक्चर है आपका, ठीक है, और थोरैक्स को, नेक को, ठीक है, और जितना भी आपका आएगा बर्न हो गया उसे आएगा आपका, ठीक है, स्टेप टू में। स्टेप थ्री में क्या आएगा आपका, मैकेनिज्म को एसेस करेगा कि किसके कारण हुआ है, जैसे कि आपका ऑटो वाली इंजरी तो नहीं है ये, है ना, एक्सीडेंट, और आपका ये ब्लास्ट इंजरी तो नहीं है, क्रश इंजरी नहीं है, देखेंगे अपन, है ना, कि कौन से इंजरी से ये ट्रॉमा कॉज हुआ है, ठीक है। स्टेप फोर में क्या है कि वो एसेस करेगा पेशेंट को, जैसे कि पेशेंट का 5 साल छोटा है कि 50 से बड़ा है, जो लड़की प्रेगनेंट तो नहीं है, ठीक है, उसको कार्डिक प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ऑर्गन प्रॉब्लम तो नहीं है उसको, है ना, और उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है उसको, ठीक है, और वो इम्यून सप्रेस तो नहीं है, ये अपन देखेंगे उसको, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस स्टेप्स टू कंसिडर टू शिफ्ट द पेशेंट टू ट्रॉमा सेंटर एंड ट्रॉमा टीम शुड केप्ट अलर्ट, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट मल्टीपल एंड मास कैजुअलिटी, फायर, ब्लास्ट, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, ठीक है। अब आता है कि अपन ट्रॉमा को मैनेज कैसे करेंगे, मैनेजमेंट क्या है उसका, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसको इनिशियली अपन इवोल्यूशन करेंगे पेशेंट का, कि उसमें क्या दिक्कत आ रहा है, क्या कमी आ रहा है, उसको देखेंगे अपन, इनिशियल इवोल्यूशन ऑफ द पेशेंट। फिर उसको अपन उसका जो भी फिजियोलॉजी डाउन हो उसको अपन स्टेबलाइज करेंगे, फिजियोलॉजिक स्टेबलाइजेशन, कंट्रोल ऑफ हेमरेज, ठीक है, उसके हेमरेज को कंट्रोल करेंगे, अगर ब्लीडिंग हो तो ब्लीडिंग स्टॉप करेंगे उसका, और फिर अपन मैनेज करेंगे थोरेसिक एंड एब्डोमिनल इंजरी को मैनेज करेंगे, और मैनेजमेंट ऑफ किडनी इंजरी, ठीक है। क्या क्या है आपका, इनिशियल इवोल्यूशन ऑफ पेशेंट, फिजियोलॉजिक स्टेबलाइजेशन, कंट्रोल ऑफ हेमरेज, मैनेजमेंट ऑफ थोरेसिक एंड एब्डोमिनल इंजरी, ठीक है, और फिर मैनेज करेंगे किडनी इंजरी, ठीक है, किडनी इंजरी मैनेज करेंगे, एब्डोमिनल थोरेसिक इंजरी मैनेज करेंगे, उसका जो भी उसका क्या बोलते हैं इनिशियल उसको इवेलुएट करेंगे, है ना, और फिर उसको ब्लीडिंग को अभूरत हेमरेज को स्टॉप करेंगे अपन, ठीक है, और उसको फिजियोलॉजी डिस्टर्बेंस को ठीक करेंगे, इस सबका मैनेजमेंट आएगा। तो पहला क्या आपका प्राइमरी मैनेजमेंट, ठीक है, पहले आपका प्राइमरी मैनेजमेंट, फिर क्या आपका प्राइमरी है, फिर आपका सेकेंडरी का सर्वे है, और फिर सॉरी सेकेंडरी कहाँ है, ये रहा, पहला क्या आपका प्राइमरी मैनेजमेंट करोगे, दूसरा क्या आपका इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, फिर तीसरा क्या आपका सेकेंडरी सर्वे, थर्ड क्या आपका डेफिनेटिव केयर। तो पहला सबसे पहले क्या करेंगे, ABCDEF, ठीक है, याद रखना, सबसे पहले ABCDEF बर्न में भी करोगे आप, बर्न में भी, और यहाँ भी करना है आपको। एयरवे मैनेज करोगे आप, एयरवे मैनेजमेंट ब्लॉक्ड बाय फ्रोड, वोमिटर्स, क्लॉट, फॉलन टंग, है ना, तो देखो कि जो पेशेंट का है वो एयरवे ब्लॉक तो नहीं है, कोई आपके खाने से या फिर वोमिटिंग से या फिर आपका क्लॉट तो वहाँ गया है ना, या फिर आपका टंग जो है वो पीछे चला गया है, उसको आप क्लियर करोगे, ठीक है, आपको एयरवे को मैनेज करोगे। फिर क्या करोगे, ब्रीथिंग, आप ब्रीथिंग कंट्रोल करोगे, आप उसको सर्कुलेशन को कंट्रोल करोगे, डी से क्या है डिसेबिलिटी एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असेस करोगे भाई ग्लास को कॉमा स्केल, ठीक है, ग्लास को कॉमा स्केल से आप उसको डिसेबिलिटी और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को आप क्या करोगे असेसमेंट करोगे। एक्सपोजर ऑफ द पेशेंट फ्रॉम हेड टू टो फॉर फाइनल असेसमेंट, ठीक है, अब जो पेशेंट है उसको एक्सपोजर को देखोगे ऊपर से नीचे तक, ठीक है, ताकि आप उसको फाइनली असेस कर सको। फिंगर्स एंड ट्यूब्स, फिंगर इवोल्यूशन, फॉलोस कैथेटराइजेशन, ठीक है, फिंगर्स और ट्यूब को वो करोगे। अब आएंगे अपन गोल्स, गोल्स क्या है इसका, पहला क्या आपका प्राइमरी मैनेजमेंट, ठीक है, फिर प्राइमरी, और हाँ अब याद करो आप पढ़ोगे उसको ट्रायल्स में क्या होता है, 4 कलर होता है, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ये आपको एकदम ये बहुत बहुत मुश्किल अजीब से कॉम्प्लिकेट कर दिया ये, ठीक है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है, और समझ में आ जाएगा आपको। पहले याद करें 4 कलर होते हैं, एक होता है रेड कलर, एक होता है आपका ब्लू कलर, एक आपका येलो, है ना, और एक आप तो आपका होता है रेड कलर,
ब्लू कलर सॉरी रेड था, ब्लू नहीं था, ठीक है। अब इसको मत देखो, रेड है, येलो है, ग्रीन है और ब्लैक है, ठीक है, और ब्लैक है। तो ये याद रखना कि ग्रीन मतलब क्या है, ग्रीन में ये कलर है। इस कलर में हम क्या करते हैं, पेशेंट को कैटेगरी में बांट देते हैं अपन, ठीक है। जो एकदम उसको माइनर स्क्रैच आए, एब्रेशन आए, उसको अपन ग्रीन में डाल देंगे। जो नॉर्मल टहल सकता है, जो नॉर्मल जल्दी, वो उसको सिंपली या कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत चोट आया वो ग्रीन में आएगा, ठीक है। जो एकदम मरने तदार में आ गया, हेड इंजरी हो गया उसको ना बहुत काफ़ी, फिर एकदम थोरैसिक इंजरी आ गया है, वो आपके ब्लैक में आएगा, ठीक है। और जो आपके थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है उसको, है ना, नॉर्मली जो फ्रैक्चर हो गया, पेल्विक फ्रैक्चर सब आ गया, वो आपका रेड में आएगा और येलो में बीच में आएगा वो, ठीक है, येलो में बीच में आएगा। सबको अर्जेंट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है आपको, अर्जेंट। रेड में क्या है, इमीडिएट ट्रीटमेंट है, येलो में अर्जेंट है, और ग्रीन में क्या आपका डिलेड, आप बाद में भी आराम से कर सकते हो, वो ठीक है वो, ठीक है। ब्लैक तो मतलब डिकीज्ड, वो मर गया है, ठीक है। येलो ब्लू एक एक्स्ट्रा जुड़ गया है जिसमें एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ये हो गया आपका। अब जो यहाँ पढ़े ना अपन की एवे मैनेज करेंगे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, अपन पेशेंट को हेड टू से फाइल असेसमेंट करेंगे और उसको फिंगर टो ट्यूब्स को एसेस करेंगे, तो याद दिया कि एवे कैसे करेंगे अपन मैनेज, ठीक है। तो चीन को लिफ्ट कर देंगे, चीन को लिफ्ट करेंगे, जॉ थ्रस्ट देंगे उसको, नेजल एयरवे, ओरल एयरवे, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, ट्रेकियोस्टोमी, है ना, इससे अपन एयरवे को मैनेज करेंगे। ब्रीथिंग कैसे करेंगे हम लोग, 100% ऑक्सीजन देंगे उसको, है ना, उसको बायलैटरल चेस्ट क्रेज को अपन एसेस करेंगे, ठीक है, उसके ब्रेथ साउंड को एसेस करेंगे, पल्स ऑक्सीमेट्री एसेस करेंगे अपन, उसको ट्रीट करेंगे अगर फ्लाइल चेस्ट हो गया, फिर न्यूरोथोरैक्स हो गया तो, और इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज कर देंगे अपन, ठीक है। ब्रीथिंग में क्या है, 100% ऑक्सीजन देंगे, एसेस करेंगे बायलैटरल चेस्ट रेज हो रहा है, ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ब्रेथ साउंड को एसेस करेंगे, और यूज़ पल्स ऑक्सीमेट्री, ठीक है। फिर क्या आपका, अगर उसको फ्लाइल चेस्ट है तो उसको ट्रीट करेंगे, न्यूमोथोरैक्स ट्रीट करेंगे उसको, ये आपका ब्रीथिंग में हो गया। अब आते हैं आपके सर्कुलेशन में, ठीक है, तो उसको मॉनिटर करेंगे, वाइटल्स को, हार्ट साउंड को, ईसीजी को, और आईवी फ्लूइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएंगे, शॉक को ट्रीट करेंगे, और कंट्रोल करेंगे अगर एक्सटर्नल ब्लीड हो रहा है तो, ठीक है, ये सब आ जाएगा आपका सर्कुलेशन में आएगा, ठीक है। अब आते हैं डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन, ठीक है, ये किस पे क्या है आपका, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ग्लासगो कोमा स्केल, पुपिलरी रिएक्शन, इसे अपन कितना उसको डिसेबल उसका इवैल्यूएशन करेंगे अपन, किससे, ग्लासगो कोमा स्केल से, पुपिलरी रिएक्शन से, और आपका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से, ठीक है, ये आ गया आपका। और फिर उसके लास्ट पॉइंट था, एक्सपोज द पेशेंट फिंगर्स एंड ट्यूब्स फुल्ली, ठीक है, अनड्रेस कर देंगे पेशेंट को, और पर वजाइनल देखेंगे अपन, हाइपोथर्मिया एसेस करेंगे, एसेस इंजरी एसेस करेंगे, और जॉइंट्स बोन्स को एग्जामिन करेंगे, एब्डोमन को लुक करेंगे कहीं कहीं पे इन्फ्लेमेशन मास तो नहीं है, ठीक है, और यूज़ करेंगे अपन कैथेटर, राइस ट्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपन सारा एग्जामिन करेंगे, ऑल ऑरिफिस, पर रेक्टल, पर वजाइनल ऑरिफिस को वो करेंगे, ठीक है। ये आपका इसमें इसको आपने इस पेपर लिखना, आप एयरवे को उसमें समझाना पूरा, है ना, ब्रीथिंग में समझाना, सर्कुलेशन समझाना आप, ठीक है, सब समझाना आप उसको, ठीक है, ये हो गया। और फिर आप ट्रैच क्या होता है वो बताना, या हो गया प्राइमरी असेसमेंट मैनेजमेंट में, ठीक है। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है, क्या करेंगे, जो कोई आता है सब लिखना है इसमें, एक्सरे कराना आप, ठीक है, स्पाइन का, चेस्ट का, पेल्विस का, एक्सट्रीमिटी का, सिटी स्कैन कराना, ब्लड ग्रुप चेक कराना, आप क्रॉस पचिंग कराना, अगर ब्लड आपका लॉस हो गया है तो ब्लड ग्रुप चेक करके क्रॉस पचिंग कराना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करना आप, ठीक है, आप आरटीएफ ब्लड गैस का एनालिसिस करना, ठीक है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, अल्ट्रासाउंड, ये सब कर देना, जो जितना को याद है आप सब कर देना इसमें, ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी सर्वे, सेकेंडरी क्या है आपका, कि आप वापस से उसको रीवैलिडेट करोगे पेशेंट को कम्प्लीटली अगेन, ठीक है, और बाद में आपको पता चलेगा कि हाँ इस पर ये इंजरी हुआ है, ये ट्रॉमा हुआ है, तो उसको उस जो है जो ट्रॉमा हुआ है उसके हिसाब से आप ट्रीट करोगे, ठीक है। ये तो सब बेसिक है, प्राइमरी मैनेजमेंट करना ही है आपको, हर जो भी ट्रॉमा आएगा वो प्राइमरी करना ही है आप, इसको जो है मैनेजमेंट आपको पूरा देखना ही है, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन हो करोगे, वापस से सेकेंडरी सर्वे करोगे, वापस रीवैलिडेट करोगे, और लास्ट में समझ में आ गया कि हाँ इसको इस कारण से हुआ है, अब उसको ट्रीट करोगे बेसिकली, ठीक है। फिर हो गया, इतना ही आपका ट्रॉमा में इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। फिर okay, और इम्पोर्टेंट है ब्लास्ट इंजरी, ठीक है, ब्लास्ट इंजरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है ब्लास्ट इंजरी, क्या होता है, ठीक है, ब्लास्ट से पता चल रहा है कोई ब्लास्ट हुआ है, ठीक है। हियर एक्सटेंट ऑफ डैमेज इज मच मोर देन बुलेट इंजरी, बुलेट इंजरी से ज़्यादा आप यहाँ पे ज़्यादा एक्सटेंट जाता है डैमेज का। इट क्रिएट्स कॉम्प्लेक्स ब्लास्ट वेव विच कंटेन ब्लास्ट प्रेशर वेव एंड मास मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्रिएट करता है कॉम्प्लेक्स ब्लास्ट वेव क्रिएट करता है, जो क्या करता है
ब्लास्ट प्रेशर वेव क्रिएट करता है, कंटेन करता है मास मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है। द एक्सप्लोजन प्रेशर वेव इज मोर देन 1000 pounds पर स्क्वायर इंच। दिस प्रेशर वेव हैज़ गॉट इंसिडेंट प्रेशर एंड रिफ्लेक्टेड प्रेशर। ये कैसे होता है, इसे यहाँ पर ये बॉडी है तो यहाँ से ब्लास्ट आएगा और रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे ये आपका बॉडी सरफेस है, यहाँ से ब्लास्ट आया एयर, क्योंकि ब्लास्ट में क्या है काफ़ी आपका जो कॉम्प्लेक्स ब्लास्ट वेव है जो ब्लास्ट प्रेशर कंटेन करता है, ठीक है, और मास मूवमेंट ऑफ एयर आपका कंटेन करता है। तो इसमें क्या आएगा आपका आते हुए क्या बोलेंगे उसको अपन, ये आपका इंसिडेंट हो रहा है प्रेशर और फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये हो गया आपका। बोथ विल कॉज सीवियर डैमेज, ठीक है, दोनों क्या करता है सीवियर डैमेज कॉज करता है, ये हो गया आपका ब्लास्ट इंजरी क्या है। अब आते हैं इसका क्या है कि कौन सा फैक्टर कॉज कर रहा है डैमेज को। सही बात है, देखो पहले क्या कर रहा है हाई प्रेशर वेव, मेन तो वही है हाई प्रेशर वेव ही जो है वो आपका कॉज कर रहा है। मैकेनिकल इंजरी हो गया, केमिकल इंजरी हो गया, थर्मल इंजरी हो गया, और इन सब टॉक्सिक गैसेस स्मोक हो गया। कौन सा इसमें ऑर्गन इफेक्ट होता है ये देखेंगे अपन, तो ईयर ड्रम, लंग्स ये इफेक्ट होता है, GIT ब्रेन हो सकता है, किडनी सिस्टम हो सकता है, इंडिविजुअल बिकम डीप आफ्टर ब्लास्ट एंड सो रेस्क्यू वर्क मे बी डिलेड, ठीक है, ये आपका ऑर्गन इफेक्टेड हो गया। इसको मैनेज कैसे करेंगे, सीधा बात है जो आप ट्रॉमा पढ़े हो ना वैसे आप इसमें डाल देना, क्रिटिकल ट्रॉमा केयर जो आप पूरा पढ़े हो, एयरवे है ना, एयरवे हो गया, ABCDE आपको डालना, और मैनेजमेंट ऑफ शॉक और ट्रायस पैमेंट मैनेजमेंट, अर्जेंट सर्जरी जैसे लैपोट्रॉमी, थोरैकोट्रॉमी, केनोटोमी, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंटीबायोटिक, वेंटिलेटर सपोर्ट, और मैनेजमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन लाइक आई, ईयर, इसको मैनेज करोगे आप, ठीक है, ये हो गया आपका, ये क्या होगा आपका, ये हो गया ब्लास्ट इंजरी, ठीक है, ये आता है। और एक पूछता है आपका, अगर एब्डोमेन में कोई ब्लंट ट्रॉमा हो गया है तो कैसे उसको ट्रीट करेंगे, क्या फीचर होता है ब्लंट ट्रॉमा इन एब्डोमेन, ठीक है, ब्लंट ट्रॉमा, ये आपका एक क्वेश्चन आ सकता है आपके ट्रॉमा चैप्टर से, ठीक है। तो ब्लंट ट्रॉमा क्या है, इट इज़ कॉमन इन एक्सीडेंट, मेनली ये एक्सीडेंट में होता है ब्लंट ट्रॉमा, इट इज़ ऑफन मिस्ड और लेटली डायग्नोस्ड, ये हमेशा छूट जाता है, फिर ये बाद में डायग्नोस होता है। अल्ट्रासाउंड, सीटी एब्डोमेन और डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लैवेज, ये हम यूजफुल रहता है ये काफ़ी, अल्ट्रासाउंड, सीटी एब्डोमेन और डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लैवेज, ठीक है। इन मेनी केसेस और इन क्लिनिकल ग्राउंड डायरेक्ट एक्सप्लोरेटरी लैपोटॉमी इज डन, ठीक है। जो देखो इसमें क्या बोलते हैं कि कॉमन किस में होता है, ये कॉमन है एक्सीडेंट में कॉमन रहता है, ये कभी छूट जाता है या फिर बाद में डायग्नोस करते हैं अपन इसको, और ये इसमें अल्ट्रासाउंड, सीटी एब्डोमेन और डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लैवेज है, ये सब हम कराते हैं और यूजफुल होता है मेनली अपन इसमें, क्या कराते हैं लैपोटॉमी कराते हैं इसमें, ठीक है, लैपोटॉमी कराते हैं और फिर क्या करते हैं अपन सब प्लेन एक्सरे कराते, जितने भी आप पढ़े हो ना जो भी पढ़े अपन की क्या क्या अपन इन्वेस्टिगेशन करते हैं ट्रॉमा में, उस सब यहाँ आप लिख सकते हो, ठीक है, लैपोटॉमी और प्लेन एक्सरे, एब्डोमेन में शो गैस अंडर डायफ्राम, ठीक है। हमको डिफ़िकल्टी कहाँ आती है, हमको डिफ़िकल्टी आती है, डिफ़िकल्टी अराइजेस इन डिसाइडिंग अबाउट द नीड फॉर लैपोटॉमी, ठीक है। डिफ़िकल्टी कहाँ आती है हमको, कि हमको देखना होता है कि हमको लैपोटॉमी की ज़रूरत है कि नहीं है इन एब्डोमिनल ट्रॉमा इन अनकॉन्शियस पेशेंट, इफ सीवियरिटी ऑफ एक्सटर्नल इंजरीज आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द एग्जिस्टिंग सीवियर शॉक, देन एक्सप्लोरेटरी लैपोटॉमी इज इंडिकेटेड इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, अगर सीवियर हो गया काफ़ी एक्सटर्नल इंजरी जो है वो हमारे हाथ से चला चुका है और वो शॉक पे चला गया है, तो हम क्या करेंगे एक्सप्लोरेटरी लैपोटॉमी कराएंगे, ठीक है, इन अनकॉन्शियस पेशेंट। इट इज़ ऑल्सो ऑफन डिफिकल्ट टू डायग्नोज बावल इंजरी इन सच पेशेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि काफ़ी डिफिकल्ट होता है डायग्नोज करना बावल इंजरी को इस सब पेशेंट में। इफ़ इट इज़ सस्पेक्टेड लैपोटॉमी शुड बी अंडरटेकन इन सच पेशेंट, हमको लगता है कि यहाँ पे ये क्या बोलते हैं सस्पेक्ट है, अपन शक होता है कि यहाँ पे बावल इंजरी हो सकता है, अब हम क्या करेंगे अपन वहाँ पे लैपोटॉमी करेंगे उस पेशेंट में, ठीक है। और एसोसिएटेड स्पाइनल इंजरी मार्क्स द एब्डोमिनल फाइंडिंग, कभी कभी क्या होता है कि स्पाइनल इंजरी के कारण हम लोग एब्डोमिन में झाँकते ही नहीं है, ठीक है। इंजरी आपके लीवर में हो सकता है, स्प्लीन में, GIT में, पैंक्रियाज में है ना, मिसेंट्री में, वास्कुलर में, डायफ्राम में, सब यहाँ पे आपका हो सकता है, चेस्ट में, पेल्विस में, स्केलेटल में, हेड इंजरी में, शुड बी रिमेंबर, ठीक है। बकवास है, आप इसको खुद से लिख सकते हो, मेरे में याद रखना कि एक्सीडेंट में कॉमन रहता है जितना भी, और ये हम हमेशा छूट जाते हैं, लेटली डायग्नोस करते हैं अपन, अल्ट्रासाउंड, सीटी एब्डोमेन, एक्सरे है ना, ये सब अपन करेंगे और फिर अपन डिसाइड करते हैं इसमें कि इसमें हमको लैपोटॉमी कराना है कि नहीं कराना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है पेशेंट है ना, शॉक में चला गया, तो वहाँ पर लैपोटॉमी कराएंगे, और कभी कभी
क्या होता है कि अगर उसको स्पाइनल इंजरी हो गया है तो हम लोग उसके चक्कर में एब्डोमेन में देखते ही नहीं है, और आपका ये लीवर, स्प्लीन, है किडनी, पैंक्रियास सब ये कॉज कर सकता है, ठीक है, उसको इंजर कर सकता है। अब आते हैं फीचर्स कैवलन ट्रॉमा का। फीचर ऑफ प्रोफाउंड शॉक, ट्रॉमा है, शॉक आएगा, ये है ना, शॉक हुआ है उसको, प्रोग्रेसिव डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है, आपका एब्डोमेन का डिस्टेंशन हो गया है काफ़ी, आपको दर्द हो रहा है, पेन है, टेंडरनेस है, गार्डिंग है, रिजिडिटी है, रिबाउंड टेंडरनेस, डल फ्लैंक है, ठीक है, क्या क्या है उसको, शॉक है उसको, प्रोग्रेसिव डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, पेन है, टेंडरनेस है, गार्डिंग है, रिजिडिटी है, रिबाउंड टेंडरनेस और डल फ्लैंक। फीचर ऑफ स्पेसिफिक ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गन इंजरी लाइक ऑब्यूट्रेशन, लिवर डलनेस इन बाउल इंजरी, ठीक है, और कुछ कुछ फीचर्स हो सकते हैं जो कि आपके स्पेसिफिक हो सकता है ऑर्गन इंजरी में, जैसे कि आपका लीवर में डलनेस दिखेगा, है ना, बाउल इंजरी में डलनेस दिखेगा, ठीक है, आपका जो एब्डोमेन के ऊपर स्किन है उसका ब्रूसिंग हो सकता है, लंडन साइन बोलते हैं उसको, ठीक है, लंडन साइन, और एस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है, और रिपीटेड क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज मस्ट इन ब्लड ट्रॉमा, ठीक है, हम लोग बार बार उसको क्लिनिकली एग्जामिन करना है अपन को, ठीक है। अब आते हैं इवोल्यूशन में आते हैं अपन, ठीक है, तो क्या फीचर हो गया, मतलब आते हैं कि हम लोग कैसे इवेल्यूएट करेंगे, वही अपन पढ़े जो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, सिटी स्कैन, एक्सरे, है ना, वही सब अल्ट्रासाउंड हो गया, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लैवेज हो गया, ठीक है, सिटी स्कैन हो गया आपका, और अदर इन्वेस्टिगेशन हो गया, ठीक है, तो वही है अल्ट्रासाउंड क्या होता है, इट इज़ वेरी यूजफुल, सिंपलर, नॉन इन्वेजिव मेथड ऑफ इवेल्यूएटिंग द एब्डोमेन, ठीक है, अल्ट्रासाउंड क्या होता है कि काफ़ी काम का आता है, इट इज़ वेरी यूजफुल, और ये काफ़ी सिंपल होता है, सिंपलर, नॉन इन्वेजिव मेथड ऑफ इवेल्यूएटिंग द एब्डोमेन। नेगेटिव अल्ट्रासाउंड मीन्स नो इमीडिएट फर्दर इंटरवेंशन इज नीडेड, ठीक है, नेगेटिव अगर आ रहा है अल्ट्रासाउंड, इसका मतलब क्या है कि हमें आगे कोई जरूरत नहीं है इनिशिएट करने की, ठीक है, और सीधा अपन उसको कंसर्वेटिव ट्रीटमेंट दे देंगे, ठीक है, ये होगा मेनली ये एब्डोमेन को इवेल्यूएट करने के लिए होता है, ठीक है। अब आते हैं कि वो हमारा फ़ायदा क्या है, फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है किसका, अल्ट्रासाउंड का, तो देयर इज नो डेंजर ऑफ रेडिएशन, सही बात है, अल्ट्रासाउंड में कोई रेडिएशन का डेंजर नहीं होता है, इट कैन बी डन बेड साइड, इट कैन बी रिपीटेड मेनी टाइम्स, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, इट्स सेंसिटिविटी इज 90%, ठीक है, और इससे जो स्पेसिफिक होता है वो 98% होता है। फोकस्ड एब्डोमिनल सोनार अल्ट्रासाउंड फॉर ट्रॉमा इज़ वेरी यूजफुल मेथड, इसको अपन फास्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका डिस्क क्या है, इसका नुकसान क्या है, ये ओबेसिटी में कम यूजफुल होता है क्योंकि पूरा जो चर्बी है वो एसेस नहीं कर पाता है विद इंटरपोजिशन ऑफ गैस व्हेन फ्लूइड इज लेस देन 500 ml, और एट्रोपेटल इंजरी में ये और बाउल इंजरी में ये ज़्यादा तो अच्छा पता नहीं पाता है। और फास्ट क्या है, फोकस्ड एब्डोमिनल सोनार ट्रॉमा, ये आपका है, इट इज़ रैपिड फास्ट, है ना, फोकस्ड एब्डोमिनल सोनार ट्रॉमा, इट इज़ रैपिड नॉन इन्वेजिव पोर्टेबल बेड साइड मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ फोकसिंग ऑन पेरिकार्डियम, स्प्लीनिक, हेपेटिक एंड पेल्विक्स एरिया। ये क्या होता है, इसी आपका, ये आपका एरिया, ये आपका वो है ना, क्या बोलते हैं, बॉडी है, ठीक है, ये आपका बॉडी है ना, तो ये क्या करता है, आपका फोकस्ड करता है, ये कौन सा एरिया फोकस्ड करता है, एक आपका पेरिक जो आपका हार्ट में एक लगेगा ट्यूब है ना, यहाँ पे ट्यूब लगेगा आपका हार्ट में, पेरिकार्डियम को करेगा, एक आपका राइट हाइपोकार्डियम, लेफ्ट हाइपोकार्डियम में लगेगा, राइट वाला आपका क्या करेगा, स्प्लीन को चेक करेगा, और लेफ्ट वाला आपका आपके लीवर को चेक करेगा, ठीक है, और हेपेटिक चेक करेगा, और एक नीचे लगेगा आपका नीचे तो आपका पेल्विक को चेक करेगा, ठीक है। ब्लड मोर देन 100 ml इन कैविटीज़ कैन बी आइडेंटिफाइड, अगर इस कैविटी में अगर 100 ml से ज़्यादा अगर ब्लड दिखाया जाए अपन फास्ट से उसको चेक कर सकते हैं। क्या है फास्ट, क्या है, फोकस्ड एब्डोमिनल सोनार ट्रॉमा, और फिर क्या, इट इज़ नॉट रिलायबल फॉर बावल और पेनिट्रेटिंग इंजरी, ठीक है, ये उतना रिलायबल नहीं है बावल और पेनिट्रेटिंग इंजरी के लिए, इट इज़ ऑफन नीड्स टू बी रिपीटेड, ठीक है। अब आते हैं डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लैवेज, ठीक है, पहले क्या है, अल्ट्रासाउंड पढ़ लिया अपन, अल्ट्रासाउंड क्यों करते हैं, फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ठीक है। और डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लैवेज, इट्स यूजफुल इन ब्लंट इंजरी एब्डोमेन, इट्स नॉट वेरी यूजफुल इन ये क्या था रुको यहाँ पे है ना हाँ क्या बोल रहा है ये, इट इज़ यूजफुल इन ब्लंट इंजरी एब्डोमेन, इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल इन पेनिट्रेटिंग इंजरी, बाउल इंजरी, इलेक्ट्रोपेरिटोनियल एंड पेल्विक इंजरी, ठीक है। ये कहाँ पे डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लैवेज जो है DPL है वो काफ़ी हद तक अच्छा रहता है किसी ब्लंट इंजरी में, और वो आपका पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गया, बाउल इंजरी हो गया है ना, अगर इलेक्ट्रोपेरिटोनियल हो गया या पेल्विक इंजरी हो गया, इसमें आपका वो अच्छा उतना खास नहीं करता। अब आज सिटी स्कैन आता है, सिटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, उसको बेटर इन्वेस्टिगेशन चॉइस है ये, ठीक है, एब्डोमेन इन ट्रॉमा के लिए, इट इज़ यूजफुल इन ब्लंट पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, और आपका सस्पेक्टेड पैंक्रियास, स्प्लीन, लीवर, ड्यूडेनल, एट्रोपेडोनियल इंजरी, स्मॉलर इंजरी जैसे कि अर्ली हेमाटो हीमोपेडोनियम आर बेटर डिटेक्टेड, है ना, जो भी आपको पता है सिटी स्कैन के बारे में आप इसमें लिख देना, ठीक है। तो
ये आपका हो गया। अदर में क्या आएगा, अदर में आप लिखना नाम पढ़ते हैं बस, एब्डोमिनल डायग्नोस्टिक पैरासेंटिसिस, ठीक है। और दूसरा क्या है, डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी, एट्रोग्राफी और डॉप्लर असेसमेंट ऑफ मेजर वेसल्स, ठीक। क्या क्या है चार्ट हो, एब्डोमिनल डायग्नोस्टिक पैरासेंटिसिस, डायग्नोस्टिक हो गया, आर्ट्रोग्राफी हो गया और डॉप्लर असेसमेंट ऑफ मेजर वेसल्स। अब आते हैं कि हमारा कंसेप्ट क्या है, एब्डोमिनल ट्रॉमा उसे मैनेज कैसे करेंगे। सबसे अपन क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि कहाँ तक इंजरी एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। इवैल्यूएशन होता है एक्सटेंड ऑफ इंजरी, नंबर ऑफ ऑर्गन्स इंजर्ड, कितने ऑर्गन्स इंजर्ड हुए हैं और कितना सीवियरिटी है, ठीक है। हेमाटोक्रिट एसेस करेंगे अपन, हेमोग्लोबिन ड्रॉप तो नहीं है 6 ग्राम से, ठीक है। और अपन उसको अच्छा ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। रैपिड ड्रॉप ऑफ हेमोग्लोबिन नीड्स एडिक्वेट नंबर ऑफ ब्लड टू बी कैप्ट रेडी फॉर ट्रांसफ्यूजन, लाइक 5/10 मोड से, ठीक है। अगर बहुत जल्दी कम हो रहा है ब्लड, अपन तुरंत उसको ट्रांसफ्यूजन देंगे अपन, ठीक है। ये आपका पहला हो गया। फिर अपन उसको क्या करेंगे, अपन वॉल्यूम रिप्लेसमेंट करेंगे, है ना, सेंटर लाइन से, और एंटीबायोटिक देंगे। ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया कि अपन इवैल्यूएट किया उसका। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, ब्लड को ट्रांसफ्यूज किए, ऑटो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ठीक है। ऑटो अगर ब्लड का वो जल्दी कम हो रहा है अपन, तो अपन क्या करेंगे, हम लोग ऑटो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड कराएंगे, क्योंकि लाइफ सेविंग होता है, प्रोसीजर होता है इन सच सिचुएशन। ब्लड फ्रॉम द कैविटी सक्ड आउट फ्रॉम द स्टाइल ब्लड विच कंटेन 150 ml सोडियम सिट्रेट डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, दिस ब्लड इज स्टेन्ड फिल्टर्ड थ्रू गॉज एंड री ट्रांसफ्यूज। जी क्या बोल रहा है ये, कि उसी के ऑटो ट्रांसफ्यूजन है, खुद का ब्लड खुद भी चढ़ा रहे हैं लोग, ठीक है। कैविटी में ब्लड जमा हो गया है, जब हम कैविटी से ब्लड को सक करेंगे, उसको फिर अपन क्या बोलते हैं, स्टेन्ड करेंगे, फिल्टर्ड करेंगे और फिर वापस उसको रिट्रांसफ्यूज कर देंगे। इफ़ देयर इज कोरोनिक एंड स्मॉल बाउल इंजरी, ऑटो ट्रांसफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल फॉर फियर ऑफ सेप्सिस ड्यू टू कंटामिनेशन। अगर वहाँ पे कोरोनिक एंड स्मॉल बाउल इंजरी हुआ है, अपन उसमें ऑटो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कराएंगे, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट होता है। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, अपर मिडलाइन इंसिजन, ठीक है। अपर मिडलाइन इंसिजन एक्सटेंडिंग, अपर मिडलाइन इंसिजन, ठीक है, एक्सटेंडिंग डाउन अक्रॉस द लेफ्ट ऑफ द अम्बिलिकस। ये क्या बोल रहा है कि अम्बिलिकस के लेफ्ट साइड से अपन क्या बोलते हैं, नीचे आएंगे, ठीक है। वही हमारा प्रिफर्ड रहता है, प्रिफर्ड इंसिजन, ठीक है। बट सर्जन शुड नॉट बी हेसिटेंट टू एक्सटेंड द इंसिजन इन टू द थोरैक्स और टू हॉरिजॉन्टल टी और एक्सटेंड एज नीडेड डिपेंडिंग ऑन द इंटरनल ऑर्गन इंजरी, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी आफ्टर ओपनिंग द एब्डोमन इज इमीडिएट कंट्रोल ऑफ प्रोफ्यूज ब्लीडिंग यूजिंग फिंगर कंप्रेशन और मॉप और प्रेशर, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा हम लोग का, कि हमको एब्डोमन को ओपन करना है और कंट्रोल करना है ब्लीडिंग को, ठीक है, यूजिंग फिंगर कंप्रेशन, फिंगर से कंप्रेस करके या फिर उसको प्रेशर देके। लेटर क्या करेंगे, वंस फील्ड क्लीन हो जाएगा, एरिया इज असेस्ड फॉर द एक्सटेंट ऑफ इंजरी विदाउट रिलीजिंग द कंप्रेस्ड फिंगर ऑन द ब्लीडिंग साइड, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, वंस इट इज अप्लाइड ओवर द साइट ऑफ ब्लीडिंग कंप्रेसिंग फिंगर कैन बी मूव, ठीक है। उसको क्या करेंगे अपन, एक क्लैंप लगा देंगे ताकि ब्लीडिंग ना हो, फिर अपन फिंगर को छोड़ देंगे, कंप्रेस फिंगर को रिमूव कर देंगे। वास्कुलर सुचरिंग यूजिंग 40 और 60 पॉलीप्रोपिलीन ऑफ द टिश्यू रिकंस्ट्रक्शन एरिया, यहाँ तो यहाँ मत पढ़ो, या ठीक है इतना ही पढ़ लो आप, ठीक है, कि कैसे अपन को खोलना है, इनसाइज का खोलना है। फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमको और ब्लीडिंग को स्टॉप करना है और फिर क्लैंप लगा के आप अपने फिंगर को छोड़ सकते हो, ठीक है। ड्यूरिंग लैप्रोटोमी एंटायर एब्डोमन शुड बी इंस्पेक्टेड पालपेटेड, ठीक है। लैप्रोटोमी के दौरान पूरे एब्डोमन को हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और पालपेट करेंगे केयरफुली फॉर एनी एडिशनल मिस्ड इंजरी, ठीक है। लेसर सैक, रेट्रोपेरिटोनियम, ड्यूडेनम, पैंक्रियास एंड डायफ्राम शुड बी चेक, ठीक है, चेक करेंगे। फिर क्या है हमारा, कि रिसेक्शन करेंगे, रिपेयर करेंगे लेटर वंस हेमाटोस्टेसिस इज मेंटेन, ठीक है, विद द इंजरीज टू बॉवेल और ऑर्गन, ठीक है। उसके क्या करेंगे अपन, मेसेंटरिक टीयर मे बी कॉज्ड फॉर हेमोपेरिटोनियम, काफ़ी ज़्यादा है इसको अपन लिख नहीं पाएंगे। और अगर आर्टर में आपका वो हुआ है तो अपन क्या करेंगे, आर्टर का क्लैंपिंग कर देंगे अपन, ठीक है। फिर यूजली ड्रेन करेंगे अपन एब्डोमेन, जो भी आपका ब्लड है ड्रेन करेंगे। और जेनियोस्टोमी करा सकते हो आप, अगर आपको एंट्रल न्यूट्रिशन देना है आपको तो जेनियोस्टोमी से आप दे सकते हो। और फिर बाकी क्या है आपका, वही बाकी मैनेजमेंट एज क्रिटिकल केयर, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन मैनेजमेंट ऑफ सेप्सिस, मेंटेनेंस ऑफ रेस्पिरेशन। आपको मेनली से बोला है कि ना एब्डोमिनल ट्रॉमा को क्या करना है, आपको ब्लड को मेनली आपको स्टॉप करना है, आपको ब्लीडिंग को स्टॉप करना है और उसको खोल खा के एब्डोमिनल खोल कर ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। इसे बेसिक इसका मैंने पढ़ाना वही है इसका, ठीक है।
एक प्रायोरिटी क्लैंप कर दिया, प्रायोरिटी पे है तो ठीक है, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी बोल दिया एक तो, और लेपोटोमी करेंगे तो अपन देखेंगे कहीं और तो नहीं है, है ना, अपन फिर इसे रिसेट करेंगे, रिपेयर करेंगे कहीं पर अगर इंजरी हुआ है तो, है ना, और फिर अपन मिड लाइन इंसिजन देंगे, है ना, और चेक करेंगे वहाँ उसको क्या बोलते हैं उसको रोकेंगे, और ब्लड को ऑटो ट्रांसफ्यूज करेंगे, ठीक है, और इवेल्युएट करेंगे कहाँ तक गया है, है ना, आपको क्या बोलते हैं ब्लड काउंट देखेंगे उसका, हेमोग्लोबिन कम तो नहीं हो रहा है, वो सब आ जाएगा आपका, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसके साथ ही आपका चैप्टर ख़त्म होता है ट्रॉमा चैप्टर। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, देखो हैंड और फुट जो है ना, इसमें आपको क्या पढ़ना है, आपको इसी इसके साथ इसे बता देता हूँ आपको मैं, हैंड फुट तो इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, अगर इससे क्वेश्चन आता भी है ना तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हैंड में कौन सा इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो आपको ये रहा आपका, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड इन्फेक्शन, आपको सिर्फ यही पता होना चाहिए कि कौन सा इन्फेक्शन होता है। तो इसमें बहुत ईजी है आपका, एक्यूट पैरानाइकिया, ठीक है, क्रोनिक पैरानाइकिया, टर्मिनल पल्प स्पेस इन्फेक्शन, सब अंगल इन्फेक्शन, वेब स्पेस, मिड पाल्मर स्पेस इन्फेक्शन, थिनार स्पेस, डीप पाल्मर, मिड पाल्मर, थिनार, हाइपोथिनार, है ना, एक्यूट सेपरेटिव टीनोसाइनोवाइटिस, ठीक है, लिम्फोजाइटिस हो गया है, आर्थराइटिस हो गया है हैंड जॉइंट्स का, ठीक है, ये है आपका। आप देखते हैं कि एक एक पॉइंट देख लेते हैं अपन, ठीक है, कि कौन से डिजीज में कौन सा कॉज हो रहा है। देखो एक्यूट पैरानाइकिया ये क्या होता है आपका, ये आपका क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन होता है हैंड इन्फेक्शन, और ये कहाँ होता है आपका, मेनली ना ये क्या करता है, हैंग नेक और फ्लोटिंग नेक कॉज करता है, ठीक है, आपको क्या बोलते हैं पैरानोकिया, मतलब क्या कर रहा है, ये नेल्स पे ही आप कर रहा है, इतना रखेंगे अपन कि ये नेल्स पे कर रहा है, ये देखो ये आपका ये है ना, हैंग नेक फ्लोटिंग नेक, ठीक है, ये याद रखना आप। ये एक्यूट हो गया। क्रोनिक क्या है, कि क्रोनिक मतलब कि आपका ये फंगल इन्फेक्शन कारण हो रहा है, कैनिडा इन्फेक्शन हो रहा है, ये भी आपका नेल्स में ही हो रहा है, ठीक है। आप नीचे आते हैं अपन, टर्मिनल पल्प स्पेस, ठीक है, अगर आपके पल्प स्पेस में ही कॉज कर रहा है, ठीक है, सेकेंड मोस्ट कॉमन है टर्मिनल पल्प स्पेस, ठीक है। अब आते हैं अपन, फिर कौन सा क्वेश्चन है आपका, हाँ रुक जाओ, ये आपका डीप पाल्मर स्पेस, तो क्या कर रहा है, डीप पाल्मर स्पेस में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ठीक है, बस इस क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत कम चांस है, पर अपन पढ़ लेते हैं। मिड पाल्मर क्या है, ये आपका क्या बोलते हैं, मिड पाल्मर साइड में आपको क्या करते हैं, वहाँ कॉज करेगा, इडमा करा देगा, स्वेलिंग करा देगा, पेन कराएगा, वो जो आपको याद है उसको लिख देना, ठीक है। और थिनार स्पेस में कराएगा इन्फेक्शन, तो थिनार स्पेस में कराएगा, ये आपको पूरा थिनार स्पेस है या हाइपोथिनार स्पेस है, थिनार में यहाँ कॉज कराएगा, हाइपोथिनार में यहाँ कॉज कराएगा, ठीक है, पस हो जाएगा, ड्रेन कर देना उसको, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका बस काफ़ी है, ठीक है। फिर एक है आपका फूट इन्फेक्शन, फूट पे क्या क्या है वो देखेंगे अपन। फूट में क्या है, ये आपका कैलोसिटी, पहला का इन्फेक्शन क्या है, कैलोसिटी, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपका ना इसमें आपका हार्ड थिक स्किन हो जाता है, देखो ये हार्ड थिक स्किन हो जाता है, अकर्स एज अ प्रोटेक्टिव मेजर सीन इन वाइडर एरिया यूजली ओवर द हील, मेनली हील में होता है और हेड्स ऑफ मेटाटार्सल में होता है, ठीक है। हार्ड हो जाता है आपका और थिक हो जाता है स्किन, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन कैलोसिटी बोलते हैं। एक आपका कॉन क्या होता है आपका, हार्ड कॉन और सॉफ्ट कॉन, ठीक है। हार्ड कॉन क्या होगा आपका, लोकलाइज्ड एरिया में थिकनिंग हो जाएगा ओवर बोनी प्रोजेक्शन, ठीक है, जैसे कि हेड ऑफ मेटाटार्सल हो गया। और आपका सॉफ्ट कॉन क्या है, कि आपके फिफ्थ और फोर्थ टो के बीच में होगा, ठीक है। फिर क्या आपका प्लांटर फेसाइटिस, ठीक है, इसके ऊपर पुलिसमैन हील बोलते हैं, ये आपका कहाँ होगा, इट इज अकर्स टू इन्फेक्शन ऑफ द और टीयर ऑफ ओसीफैट पोस्टीरियर इंसर्शन ऑफ द प्लांटर फेशिया, या मेनली प्लांटर फेशिया में हो रहा है, ठीक है, जो कि बहुत लंबे समय खड़े होते हैं उनके में होता है ये प्लांटर फेसाइटिस, ठीक है। फिर क्या आपका ऑनिकोमाइकोसिस, क्या कर रहा है आपका, नेल में कॉज कर रहा है, ठीक है। और एथलेटिक फूट में क्या होगा आपका, ये फंगल इन्फेक्शन है ऑफ द स्किन बिटवीन द टोस, ठीक है। और फिर उसके बाद हेलक्स वेलगस में क्या होगा, ये ग्रेट टो को आपका कॉज कर रहा है, ये देखो ये आपका ग्रेट टो को आप क्या कर रहा है, ये आपका डिवेट कर दे रहा है, ठीक है। वेलगस मतलब आपका ये लैटरली डिवेट कर रहा है, वेलगस मतलब आपका क्या होता है, लैटरली, और वेरस मतलब क्या होता है आपका, मीडियली, ठीक है, याद हो गया। ये आपके ये साथ में ही चैप्टर खत्म कर दिया हमें, अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आर्टेरियल डिजीज, ठीक है, थैंक यू।